नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुण। रोज की भांति हम इस वीडियो में उपस्थित हैं अखबार के पन्नों के साथ। और क्या कुछ प्रमुख खबरें हैं, आज का अखबार क्या कुछ कहता है, हम उसको लेकर के हम इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। तो हम आपको खबर बताएं उससे पहले एक अपील कर देते हैं दोस्तों कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं प्रमुख खबरें। बिहार में दो बड़ी खबर है हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर। एक तो है कि किसानों को घर बैठे मिलेगा बिजली का कृषि कनेक्शन, अब मात्र 70 पैसे प्रति यूनिट दी जा रही है बिजली बिहार में। ये तो पहले से चल रहा है स्कीम कि 70 पैसे प्रति यूनिट मिल रहा है, और कृषि फीडर को सौर ऊर्जा से भी चलाने की तैयारी चल रही है। अच्छी खबर है अगर ये सब सुविधा मिल जाती है तो, और किसानों को निःशुल्क कनेक्शन भी मिलेगा। पैकेजिंग खबर अच्छी खबर है। बिहार में पंचायत और प्रखंड स्तर पर लगाए जाएंगे विशेष शिविर, अच्छी बात है कि अगर इस प्रकार की सुविधा किसानों को मिलने शुरू हो जाती है। दूसरा है कि मोहनिया में भीषण सड़क हादसा, 9 लोगों की गई जान। इस खबर के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है, कई अखबारों की खबरें थी तो हमें लगा कि आपको बता दें डिटेल थोड़ा। एक लेन से बाइक गुजर स्कॉर्पियो गुजर रही थी, सामने कोई बाइक सवार आ गया, बाइक सवार को बचाने के चक्कर में स्कॉर्पियो बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हुई, बाइक और इसमें टक्कर हुई स्कॉर्पियो में, और उसके बाद दोनों वाहन इस लेन से उछल करके दूसरे लेन में चला गया। इतना जबरदस्त टक्कर था, और उसके बाद आलम यह हुआ कि स्कॉर्पियो जो है सो जब दूसरे साइड में गई तो सामने से जो भी कोई एक कंटेनर गुजर रहा था उसके चपेट में आ गई। समझिए कितना जबरदस्त डैश हुआ होगा उसमें। आलम यह है कि बताया जा रहा है 2 महिला समेत 9 लोगों की जान चली गई। हाल के दिनों में सड़क दुर्घटना किस प्रकार की घटना बहुत बढ़ गई। 2 दिन पहले ही यूपी में एक घटना हुई जहां ट्रैक्टर का बैरिंग टूटने से डाला पलट के चला गया, एक तालाब में 24 लोगों की मौत हो गई थी। पिछले सप्ताह की का ही मामला है कि लखीसराय में ट्रक और टेम्पो में टक्कर हुआ, उसमें 9 लोगों की जान चली गई थी। एक और खबर है, पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 7 की मौत, 11 झुलसे। ये मंझनपुर कौशाम्बी उत्तर प्रदेश की ये घटना है। भाजपा के बसपा के सांसद रितेश पाठक जो है भाजपा में शामिल हो गए, अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से यह सांसद थे। गुजरात के ओखा से बेट द्वारका के बीच भारत के सबसे लंबे केबल पुल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुभारंभ किया है। द्वारका धाम में पूजा अर्चना भी किया है इन्होंने। 4477 पैक्सों में कंप्यूटर लगाने का काम मार्च महीने से शुरू हो जाएगा। अच्छी खबर है, अपडेट होना चाहिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट खबर है हिंदुस्तान में कि बिहार पुलिस के 40% जवान जो है सो निशाना लगाने में चूक गए। अब पीटीसी ट्रेनिंग इन लोग का चल रहा था, पीटीसी ट्रेनिंग के बाद ये सिपाही लोगों का प्रमोशन का रास्ता खुलता है। तो उसमें हुआ ये कि उसके पहले 164 दिनों की ट्रेनिंग पर इन लोगों को भेजा गया था, और ट्रेनिंग के दौरान ही जो है निशाना लगाने का काम में 40% जवान चूक गए। ये जितने जवान हैं 2004 से 2009 के बीच में बहाल हुए थे, मतलब करीब 15 से 20 साल की नौकरी कर चुके हैं। सही, अच्छी बात तो नहीं है, निशाना में चूक जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आओ कल प्रमोशन होकर जमादार साहब बनेंगे ये लोग। बुंदेलखंड समेत 6 ओपी थाने में अपग्रेड, मतलब कल इसका उद्घाटन होगा। जो थाना ओपी से अब थाना बन गया उसका उद्घाटन कल होगा। कादिरगंज में लोकल पन्ने की खबर है, कादिरगंज में गर्भवती महिला की मौत, दहेज के लिए मारने का आरोप, चौकीदार की पत्नी और मां पर हमले का आरोपी गिरफ्तार। ये सब खबर है। सक्षमता परीक्षा के विरोध में सड़क पर उतरे नियोजित शिक्षक, उतला भी जलाया है। हरियाणा में इंटरनेट सेवा बहाल कर दिया गया है, किसान थोड़ा सा नॉर्मल हुए हैं जो आंदोलन वगैरह कर रहे थे। एक अच्छी खबर है, 2000 का जो नोट बंद हुआ उससे बैंकों की कुल जमा 2 गुना हो गई। अब जो बाहर में पैसा था उसको बैंक में डालना पड़ा तो बैंक का जमा बढ़ गया। गलत विवरण भरने से 3 में से 1 पीएफ का दावा खारिज हो रहा है। महिलाएं हर क्षेत्र प्रगति की नई ऊंचाइयां छू रही है, प्रधानमंत्री ने कहा है। गृह मंत्री अमित शाह थे ग्वालियर और खजुराहा के दौरे पर, उन्होंने कहा कि देश को महाशक्ति बनाने में जुटे शाह, चुनावी तैयारी थी बैठक। भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची जल्द, बीएस येदियुरप्पा। येदियुरप्पा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं, कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री,
उनका है कि भाजपा की जल्द पहली सूची जल्द आ जाएगी। राहुल गांधी का बयान है कि सरकार आई तो एक मिनट में MSP लागू करेंगे, जिसका मांग जो है सो किसान कर रहे हैं। मनीष तिवारी, कांग्रेस सांसद का कहना है पंजाब में कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ से UP तक छापे, छत्तीसगढ़ में कोई शराब घोटाला का भी नया मामला है। अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद 1 अरब से ज्यादा का चढ़ावा आया, 100 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा आ चुका है उद्घाटन के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद। उसके पहले तो जो चंदा मंदिर निर्माण के लिए मिला था वो अलग था। पाकिस्तान में 9 मार्च तक राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी। खेल के पन्ने पर है, अश्वनी और कुलदीप की फिरकी पर नाचे अंग्रेज। अच्छी स्थिति में पहुंच गया, जो खराब स्थिति में था उसमें अच्छी स्थिति में पहुंच गया भारत चौथा टेस्ट मैच में। चिंताजनक, सूरज की गर्मी को जरूरत से ज्यादा सूख रही है धरती। अब किस कारण से हो रहा है इस पर जांच ये चल रहा है। सूरज की जो रोशनी आती है उसको जितना सोखना चाहिए धरती को उससे ज्यादा सूख रही है, उससे नुकसान हो रहा है। प्रभात खबर के में जो खबर है उसमें एक अच्छी खबर है कि बिहार में ठनके से होने वाली मौत राष्ट्रीय औसत से अधिक है। औसतन जो राष्ट्रीय औसत है जो मौत होती है उसमें से अधिक है बिहार में। और कहां कहां ज्यादा प्रभावित करता है वो हम आपको बताते हैं। दक्षिण पश्चिम में कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, दक्षिण मध्य में पटना, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, पूर्वी बिहार में बांका, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और खगड़िया, उत्तर पश्चिम में पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और शिवहर, और उत्तर बिहार में दरभंगा और मधुबनी। अब जो है सो राज्य में औसतन सालाना 271 लोगों की होती है ठनके से मौत। शिवहर जिले में सबसे अधिक जाती है जान। अब सरकार इसको कैसे इस लोगों को बचा पाए इसको लेकर के अलग से कुछ काम शुरू करेगी। जयंती पर याद किए गए शहीद जगदेव बाबू, संत रविदास के विचारों को आत्मसात करने का लोगों ने लिया संकल्प। चक्का ब्लास्ट करने से खाई में गिरी कार, महिला की गई जान। झंझारपुर है, मधुबनी की ये खबर है। एक अच्छी खबर है कि 1 अप्रैल से बार्टर मार्क पेपर पर बालू घाट से जारी होंगे चलन। बालू का जो अवैध धंधा होता है, चोरी होती है, जैसा कि रिपोर्ट बता रहा है कि समीक्षा में पाया गया कि जो अभी फिलहाल जो चालान कटता है उसका जीरोक्स वगैरह करवा के कुछ छेड़छाड़ करके लोग एक ही चालान पर ज़्यादा गाड़ी पर वाहन लोड करके ले जाते हैं, ज़्यादा गाड़ी पर बालू लोड करके ले जाते हैं, माफ़ कीजिएगा गलती से पड़ जाते हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने के लिए सब किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ चेक पोस्ट बनाए जाएंगे, CCTV लगाए जाएंगे। ठीक है, राजस्व की जो चोरी है हो रही है उसमें अगर सरकार प्रयास करती है तो उससे सरकारी खजाना बढ़ेगा, भरेगा। PM मोदी ने द्वारका में समुद्र तट पर की स्कूबा डाइविंग, बोले दिव्य अनुभव हुआ। गुजरात में देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन भी उन्होंने किया है इसी दौरान। एक अच्छी खबर है चुनाव से जुड़ी हुई कि देश में पहला आम चुनाव जो हुआ था 1951-52 में, तब लोकसभा की मात्र 489 सीटों के लिए चुनाव हुआ था, अभी तो 543 है। और तब 4 महीने चला था चुनाव, 4 महीने तक चुनाव होता रहा। अभी भी करीब करीब 3 महीने लग ही जाते हैं, लेकिन उस वक्त 4 महीने लगा था। 2000 के नोट को वापस लेने का दिखने लगा प्रभाव, चलन में मुद्रा की वृद्धि घटी, आरक्षित मुद्रा की वृद्धि दर घटी। बीते सप्ताह तेल तिलहन की कीमतों में हुआ सुधार, देश में मासिक उपभोक्ता खर्च ये 1 दशक में 2 गुना से ज्यादा, मतलब उपभोक्ता खर्च बढ़ गया है। अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के दौरान परिवारों का उपभोग सर्वे किया गया है, उसमें पाया गया है 2,62,000 घरों से एकत्र किया गया ये डाटा। शहरों के साथ साथ गांवों में भी 2 गुना खर्च, सही बात है, महंगाई तो बढ़ गया है तो खर्चा उपभोक्ता पर तो आ ही रहा है। दैनिक भास्कर की खबर क्या कहती है, प्रमुख खबरें ये हम आपको बता दें। दैनिक भास्कर में कुछ खबरें अच्छी है, जिसमें है कि गंगा जल से भरेंगे बासकुंड, मोरवे और आंजन डैम, खेतों तक पहुंचेगा पानी। मतलब कुछ डैम है जहाँ की गंगा जल का पानी पहुंचाया जाएगा और उसके बाद फिर उसको सिंचाई प्रणाली के जरिए खेतों तक पहुंचाया जाएगा, एक अच्छा पहल है। और इसी से जुड़ी एक खबर ये भी है कि
जितना भी पुराना डैम है उस पुराने डैम को नए सिरे से सुदृढ़ किया जाएगा, उसके तटबंधों को, जिसमें नवादा का भी कुछ डैम है, कोल महादेव है, फुलवरिया है, ताराकोल है, जॉब है, ये सारे जलाशयों को दुरुस्त किया जाएगा। अच्छी है इसमें, इस पर है करीब 4,415 करोड़ रुपये का खर्च बिहार सरकार करेगी। इसमें 3,090 करोड़ रुपया जो है तो बिहार सरकार विश्व बैंक से लोन लेगी और बाकी 1,324.50 करोड़ मतलब 1,324 करोड़ रुपया बिहार सरकार अपने संसाधन से खर्च करेगी। अच्छी खबर है, होना चाहिए। इसकी तस्वीर भी आप देखिए कितना अच्छा पैकेजिंग दिया गया इस खबर का, और सरकार अगर इस दिशा में काम करती है तो निश्चित तौर पर खेती किसानी को बहुत फायदा होगा। चुनाव में जासूसी, प्रत्याशी की रणनीति से फंडिंग तक के राज पता करवाए जाते हैं, विरोधी को भनक तक नहीं लगती। मतलब इस समय होता क्या है कि एक प्रत्याशी अपने किसी व्यक्ति को, जासूस को, दूसरे प्रत्याशी के पास सेट कर देते हैं और वो सारा सूचना लीक होता है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का एक बयान है कि राजद माई और बाप की पार्टी है, एनडीए के लिए जनता ही माँ बाप है। भाजपा विधि प्रकोष्ठ का एक कार्यक्रम था, उसी कार्यक्रम में अधिवक्ता समागम में ये बात डिप्टी सीएम बोले। बिना ड्राइवर 70 किलोमीटर तक दौड़ी मालगाड़ी। आपको बता दें इस खबर के बारे में कि भारत की ही खबर है, जम्मू के कठुआ में एक ट्रेन मालगाड़ी लगी हुई थी और किसी कारणवश उसके लोको पायलट जो थे वो ट्रेन से उतर गए और ट्रेन ऊंचाई पर थी और इंजन ढलान की ओर था और ट्रेन धीरे धीरे ढुलते ढुलते वो अपना स्पीड पकड़ लिया और जो बताया जा रहा है कि करीब 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वो ट्रेन पकड़ ली और पंजाब में जाकर के उसको करीब 70 किलोमीटर तक वो ट्रेन बढ़ती गई। जानकारी रेलवे प्रशासन को मिल गई, किसी प्रकार जो पूरे रास्ते का ट्रैफिक था उसको क्लियर कराया गया और अंततः इस ट्रेन को पंजाब में रोका गया और वो भी उसके लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, दो दो जगह प्रयास फेल हुआ, तीसरा जगह जाकर के ट्रेन रुक पाई। रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का सिल्ली रखा गया, रेलवे ट्रैक पर आपको बालू बोरियों में भर भर करके रखा गया, तब जाकर के ये ट्रेन जो है सो रुक पाई, बड़ी घटना टल गई। अब रेल मंत्री ने इसके जांच के आदेश दे दिए हैं। बड़ी चूक, लापरवाही जो कहिए, लेकिन फिर भी लेकिन उसी रेलवे के किसी कर्मी की चूक से इतनी बड़ी हादसा होने की संभावना थी, उसी रेलवे के कर्मियों ने बड़े हादसा को बचा भी लिया, शुक्र ये रहा, गनीमत ये बात रही। संदेश खाली जो पश्चिम बंगाल में है उसमें पर एक रिपोर्ट है कि अब सच छिपाने का दौर चल रहा है, यौन उत्पीड़न के कितने केस हैं, अफसर मौन है, जांच उसके लिए एनजीओ जाता तो उसको जाने नहीं दिया जा रहा है। तेजस्वी ने कहा है कि जदयू में मंथरा है, सीएम ढूंढे, एक अधिकारी नहीं मान रहा सीएम की बात, मतलब ये कहीं कहीं के पाठक पर कमेंट है, इस खबर को भी प्रमुखता से दिया गया है। एक अच्छी खबर है बिहार के लिए, बीटीआर, जर्मनी के चार और हॉलैंड के एक पर्यटकों ने भ्रमण का धार्मिक स्थलों पर माथा टेका। पर्यटकों ने कहा वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर टूरिज्म, 5 महीने में 20 विदेशी पर्यटक आए, शुभ संकेत। ये वाल्मीकि नगर में जो बीटीआर है उसकी है, उसका है, देखिए तस्वीर वीडियो, यहाँ विदेशी पर्यटक भी आने लगे हैं और कई देशों के आ रहे हैं, उस वक्त उसका भी जिक्र है इस रिपोर्ट में। साउथ अफ्रीका, रूस, पोलैंड, यूके, जर्मनी सहित हॉलैंड से पर्यटक आ चुके हैं। चेक गणराज से आए दंपत्ति वाल्मीकि नगर के मेमोरी के लिए गुलाब का पौधा भी अपने साथ लेकर गए। रेंजर राजकुमार पासवान ने बताया कि विदेशी मेहमानों की मेहमानबाजी के लिए बीटीआर सदैव तत्पर रहता है, बीच में 5 महीने तक ये बीटीआर बंद रहा था। अच्छा, इस प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए, इससे रोजी रोजगार बढ़ता है, इज्जत प्रतिष्ठा भी बढ़ता है कि बिहार में क्या है, तो बिहार में यह चीज है। युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो दैनिक भास्कर के सोमवार का संस्करण जरूर पढ़ें, सोमवार का अखबार, क्योंकि इसमें एक लक्ष्य करके एक पन्ना आता है, उसमें बहुत सारे देश स्तर की जो वैकेंसियां निकलती है, बहालियां, उसका जिक्र इसमें होता है। तो बिहार की खबर है कि बिहार में नौकरी का अवसर, लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को 50 अंकों का इंटरव्यू देना।
ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए 318 पद की वैकेंसी निकली है। इसमें 21 मार्च तक इसमें ऑनलाइन आवेदन होगा, 400 अंकों का परीक्षा होगा, सामान्य हिंदी का सॉन्ग, सामान्य ज्ञान का सॉन्ग और 200 अंक का जो सब्जेक्ट है उद्यान और कृषि पर। इसमें अनारक्षित 81 पद है, आर्थिक रूप से कमजोर 32 पद है, अनुसूचित जाति 68 पद है, अनुसूचित जनजाति 7 पद है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 86 पद है और पिछड़ा वर्ग 44 पद है। इसके अलावा बहुत सारा वैकेंसी है, इस पन्ना को आप पढ़ सकते हैं। तमिलनाडु में सिविल सर्विसेज का निकला है 6244 पदों का ज्वाइंट एग्जाम, कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होगा। फिर राजस्थान में है जूनियर असिस्टेंट के लिए 4197 पद का वैकेंसी निकला है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में फैकल्टी के 50 पदों पर होगी भर्ती। झारखंड हाई कोर्ट में 648 पदों की वैकेंसी है, बहुत सारे वैकेंसी है, इसको आप इस पन्ना को जरूर पढ़ सकते हैं। युवा बर्मा म्यांमार बॉर्डर की एक खबर बड़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ भास्कर का ग्राउंड रिपोर्ट। म्यांमार में के अंदर तक बसे पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के 500 गांव, इसलिए बॉर्डर पर बार लगाना मुश्किल। मतलब भारत और म्यांमार का जो बॉर्डर, वहां बार लगाने का काम शुरू किया गया है, लेकिन बहुत परेशानी हो रही है। अब इसका इसी खबर में जिक्र है कि दो देशों में राजा का घर, दो देशों में एक राजा है उनका दो देश में घर है, मतलब स्वाभाविक है हिंदुस्तान में और बर्मा में। बेडरूम भारत और किचन म्यांमार में, इसी खबर का अंश है। तो जो हमारा पर्वतीय राज्य है उससे जुड़ा हुआ इलाका यह है, देख सकते हैं ये खबर को, इंटरेस्टिंग खबर है। हिरासत में सबसे ज्यादा दुष्कर्म यूपी में, ये खबर दिया गया है एनसीआरबी की रिपोर्ट। 2017 से 2022 तक हिरासत में 270 से ज्यादा रेप की घटना हुई है। रक्षा मंत्री का बयान है, चीन से झुककर चर्चा नहीं कर रहे, वो इच्छुक है। नवादा के पन्नों पर वही है जो वर्ल्ड क्लास सुविधा मिलना है, जिसका आज शुभारंभ हुआ काम का। अब दैनिक जागरण पे आ जाते हैं, दैनिक जागरण में क्या खबर है प्रमुख रूप से हम चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री का वही गुजरात में जो बयान दिया गया, कांग्रेस राज में हर तरफ बहुत तरह के घोटाले, बिना लोको पायलट के रेलवे ट्रैक पर 80 किलोमीटर दौड़ती रही मालगाड़ी। बिहार से जुड़ी खबर है, चुनावी डुगडुगी बजने से पहले घोषणाओं की लगेगी झड़ी। मतलब कि प्रधानमंत्री जी का दौरा होना है 2 मार्च को, उसके पहले गृह मंत्री भी आ रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी कार्यक्रम है, तो खाली चुनावी की साल है, घोषणा होगा। कहा यह जा रहा है कि 2 लाख करोड़ के का पैकेज बिहार को मिलेगा, बहुत सारी योजनाओं का जो है। बिहार की खबर है कि अब 634 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्लस टू तक की पढ़ाई होगी, अच्छी बात है, होना चाहिए। दस वर्षों में दोगुना हुआ परिवारों का मासिक उपभोक्ता खर्च, जागरण में भी इस खबर को प्रमुखता से दिया जाए, इसको आप देख सकते हैं। खर्चे बढ़ रहा है, इनकम कितना बढ़ा है इसका भी खबर में जिक्र होना चाहिए, इन परिवारों का इनकम कितना बढ़ा है। पॉलिटिकल खबर है, कांग्रेस के सामने बंगाल और जम्मू कश्मीर में गठबंधन की गांठ अभी सुलझाना बाकी। बिहार झारखंड में उलझन नहीं, मगर सम्मानजनक सीटें हासिल करने को लगाना पड़ रहा जोर। भाजपा का क्या हाल है भाई, 2 घंटे पहले ही लीक हो गया था यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर, इस खबर को प्रमुखता से दिया गया है। अब 3 महीने नहीं होगी मन की बात, स्वाभाविक है, मार्च से चुनाव शुरू हो रहा है, तो मार्च अप्रैल मई 3 महीना तो चुनाव ही चलेगा, तो कहां से मन की बात प्रधानमंत्री कर पाएंगे। गाजा में जल्द युद्ध विराम, गाजा और इजराइल हमास से जो युद्ध चल रहा है उसमें जल्द युद्ध विराम के संकेत मिले हैं, पेरिस में हो रही है वार्ता। न्यूयॉर्क में 6 मंजिला इमारत में लगी आग, भारतीय की मौत हो गई, बहुत दुखद खबर है। भारतीय पत्रकार फाजिल खान एक पत्रकार थे, आग लगने से इनकी मौत हो गई, देखिए तस्वीर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।